अभी बच्चों से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति तथा इंसानों को फांसी की सजा दी जाएगी। आसिफा पर हुए दुष्कर्म मामले के बाद से ही इस कानून में बदलाव करना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही थी। अब जाकर उस मांगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार 12 साल के नीचे के बच्चों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए, इस बात पर विचार विमर्श कर रही है। इस संदर्भ में मेनका गांधी ने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन की पूर्ति आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की है। बच्चों पर हो रहे अत्याचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए हुए कानून के अंतर्गत गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाएगी, जिसके बाद बच्चों के प्रति इस अमानवीय व्यवहार पर रोक लगाने की आशंका जताई जा रही है। क्या कानून व्यवस्था में बदलाव के बाद इस तरह के अमानवीय मामलों पर रोक लग पाएगी? क्या हम एक सुखद समाज की कामना कर सकते हैं जहां किसी भी बच्चे के साथ दुष्कर्म हो ही ना? इस कड़े कानून के बाद आगे क्या होगा, देखने के लिए जुड़े रहिए MNS News Live के साथ। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही